Drop it. What? Hold up. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, तो लास्ट टाइम मैंने ब्लॉग किया था वो आज दोपहर में ही किया था, जब हम लोग बाहर गए थे अपने होटल से निकल के दूसरी शॉप से। बट अब हम लोग जब लोग वर्कशॉप ख़त्म हो गया, फिर हमारे सामने एक मॉल है, कोई सफ़ा मॉल है, तो हम वहाँ पे आए। बहुत सारे लोग हैं फिलहाल मेरे साथ, यही हैं, ये है नादिया। अच्छा, मैंने सुना है सेल वगैरह लगी हुई है, तो सेल लगी हुई है, तो इतना रश है इस मॉल में। बट इस मॉल में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम डायरेक्ट वापस उधर ही जा रहे हैं जहाँ हम लोग आए थे। ये नहीं आई थी, मैं आई थी फलक के साथ, पर हम लोग वापस उधर ही जा रहे हैं। मुझे तो याद भी नहीं है। हम लोग पूरे एक चक्कर घूम गए, हम लोग ब्लॉक कर रहे थे, हमें पता नहीं था, पूरा एक टर्न लेके आ गए। हमने कहा हम वापस उधर ही आ गए, मैं कहती नहीं हम लोग उधर नहीं है, बट हम लोग उधर ही आ गए थे। खैर, हम लोग नीचे आ चुके हैं, अभी भी हम बिल्कुल नीचे नहीं हैं, हम घूम चुके हैं बहुत, भूल भुलैया सा है बिल्कुल। पर हम कहाँ, अरे शाहीन पे हम लोग थे ना, अब यहाँ से निकल के आएगा। जो इस्लामाबाद में रहते हैं, आप लोगों को पता है आपको सफ़ा मॉल कैसा लगता है। हम लोग का डिबेट चल रहा था हम सेंटोरियस जाएँ या सफ़ा मॉल जाएँ, पर फिर हम लोग ने सोचा यही करीब था, तो हमने कहा हम इधर ही चले जाते हैं, फिर देखते हैं हम सेंटोरियस जाएँगे कि नहीं जाएँगे। अच्छा, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लग रहा है कि यहाँ पर बहुत रश है और लोग ऐसे देख रहे हैं मुझे, तो पता नहीं क्या हो। ये भी अपना चैनल खोलना चाह रही हैं। तुम्हारा है चैनल? हाँ है, लेकिन सिर्फ उधर सिर्फ दो ही वीडियो अपलोड। ये हमारे गिलगिती से है, गिलगित से है इसे, ये इसकी लैंग्वेज लग रहा था कि पश्तो है, पर इसकी लैंग्वेज पश्तो नहीं है। कौन सी लैंग्वेज है तुम्हारी? ख्वार। ख्वार, हमारी लैंग्वेज में कहते हैं ख्वार कर दिया तुमने। हाँ, ये वो वाले वही है। हम फिर से घूम रहे हैं क्या? पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। इतना घूमने फिरने के बाद हम फाइनली एक टॉय शॉप में आ गए हैं। विल्दान ने ना बहुत ख्वाहिश की थी, बहुत मुझे बोला था कि पुपो प्लीज़ डू ब्रिंग ड्रम्स फॉर मी। तो यहाँ पे एक ड्रम हमें सामने नज़र आ रहा है, हम उसको खुलवा रहे हैं, देखते हैं वो कैसा है। तो टूल भी पसंद है, तो लेट्स सी हम उसके लिए क्या लेते हैं। मेरे को टूल्स पसंद है, देखती हूँ वो ढोल कैसा है। अच्छा, इसका यूँ हैंग करने का है, यूँ हैंग भी हो सकता है। ये पूरा ऐसा सेट होगा? ये ऐसा सेट होगा यार। उसने बड़ी मुझे ख्वाहिश से बोला है मुझे ड्रम्स चाहिए, तो बस फिर ले लो, टूल्स भी अच्छे हैं। क्या करी तुम? मैं सीखूंगी यार, वो जाते थे, मैंने नोट्स भी सीखे थे। ओह नाइस, अभी नहीं आएगा, पूरे मुझे आते थे, भूल गई हूँ गिटार, मुझे एक टाइम पे आता था। ये देखो नेवला, इसकी आंखें वगैरह भी हैं, जहाँ बहुत सारे ऐसे आउटडोर उन्होंने स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए हैं। अच्छी नहीं लगी ये। हम वापस उसी शॉप में आ गए जहाँ हम लोग थे और जहाँ हम लोग आए थे, और यहाँ पे गिलगिती अपनी गिलगिती टोपी पहन रहे हैं। ये वाली नहीं है हमारी गिलगिती, ये नहीं है, नहीं वो। हम लोग उसी शॉप में आ गए जहाँ हम लोग आए थे थोड़ी देर पहले, लाइक शाम में। यहाँ पे काफ़ी हैं बैग्स, हम ये देखते हैं। अच्छा, ये तुम्हारी गिलगिती की नहीं है? नहीं, मैं जब आई थी मुझे लगा था गिलगिती की है, तो मैंने पहनी थी। ये है गिलगिती की? हाँ, ये है। नहीं ये भी नहीं है, बस इसी तरह का होता है। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी नहीं है। नहीं शॉल की चल जाती है। सुनो, इनको लग रहा है हमारी कराची में बिल्कुल ठंड नहीं होती, ठंड नहीं होती एज कम्पेयर टू हेयर इस्लामाबाद से, पर होती है। शॉल तक हम लोग का काम चलता है, उससे ज्यादा नहीं, उतने का हमारा काम चल जाता है। ऐसे नेकलेस भाभी को बहुत पसंद है, सो एक ये मैं सोच रही हूँ ले लूँ। कलर्स बहुत हैं, पर ब्लैक एक वाहिद है जो हर चीज़ों पे चल जाता है। गेट दिस फॉर हर, प्यारी चीज़ है।
अब मैं फलक के साथ हूँ शॉपिंग पे। सर्दी बहुत सर्दी है भाप, आपको नज़र आ रही है? ये कितने के हैं? ये 1100 के। बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे। Good morning everyone, welcome back to my channel, welcome back to another clip. So अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं, मैं चली पता नहीं क्यों जाती हूँ, एक जगह टिक के क्यों नहीं मैं व्लॉग करती हूँ मुझे नहीं समझ में आता, बट खैर अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं एंड हम लोग तैयार हो चुके हैं। अब मैं जाऊँगी नीचे थोड़ी देर में फॉर द ब्रेक, बट बिफोर दैट मैंने सोचा मैं आप लोग अपना OOTD दिखा दूँ एंड ऑल्सो दिस ब्यूटिफुल व्यू, रियली रियली प्रिटी। पिक्चर्स वगैरह में अच्छा अच्छा सा आ जाए, मैंने पिक्चर्स यहाँ पे नहीं ली हैं पर वीडियोज़ आई मैनेज टू टेक दैट। थोड़ा कैमरा नीचे मुझे झुकना पड़ेगा। दिस इज माई आउटफिट। सो अब मुझे बस निकलना है, मुझे सबसे बात वगैरह करनी थी यानी व्लॉग स्टार्ट करना था, थोड़ा सा खुद को ऑब्वियसली व्लॉग करना था। आज के सीन ये हैं, आज है हमारा 3rd डे ऑफ द वर्कशॉप। सो बेसिकली जिस एरिया में हम रुके हुए हैं उसको F7 कहते हैं आई बिलीव, एंड जिस मार्केट में हम लोग कल रात में गए थे जहाँ पे देखा था मैंने सारी वीडियोज़ वगैरह बनाई थी, आई मीन जहाँ मैंने शॉपिंग की थी। सो दिस इज़ दिस दैट एरिया, ये पूरा जो नीचे है, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, ये पूरा नीचे का एरिया है एंड ये पूरा जाता है। एंड मैंने सुना है कि F7 यहाँ की इस्लामाबाद की बिगेस्ट मार्केट में से एक है। मेरा जो फ़ोन की लीड है आईफोन की, मेरी जो फ़ोन की लीड है द चार्जिंग लीड, पता नहीं उसको क्या है, यहाँ की पावर का मसला है या मेरे फ़ोन ख़राब हो गया है, तो मेरे फ़ोन का मसला है या पता नहीं क्या है, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर जाऊँगी ब्रेक टाइम में एंड उसकी लीड भी लेनी है एंड आई हैव टू चार्ज माई फ़ोन। मैं पूरी रात लगाया हुआ था फिर भी जाके 66 हुआ है। मुझे अब लग रही है बहुत तेज़ की भूख, तो हम मैं नीचे जाऊंगी फॉर द ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद हमारी वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है, सो लेट्स गो। लोग इसी से क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये इसमें मेमोरी वगैरह का सबका, ये इतनी लंबी है मुझे इधर खड़ा होना पड़ेगा, मैं बहुत लंबी हूं। हेलो फल, हाय। ये हमारी फलक है, कैसी है फलक आप? बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत। अब मैं फिर से बोलने लगी थी मैं बहुत खूबसूरत हूं। कैसा जा रहा है आपका वर्कशॉप फलक? बहुत जबरदस्त। ये थोड़ी कैमरा शायद इसमें को थोड़ा थोड़ा सा लेना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा सा लेना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा भी बहुत है। तो थोड़ा थोड़ा भी आ रही है बड़ी बात है, ये बहुत कैमरा शाय है। ये मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, ड्रेस भी अच्छा लग रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर क्लिप। वर्कशॉप ख़त्म हो गई है, हमारी 3 दिन की वर्कशॉप थी जिसके लिए मैं आई थी अपने ऑफिस के थ्रू वर्कशॉप अटेंड करने, एक्चुअली वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने, 3 दिन की थी, वो हो गई है एंड आज था लास्ट डे एंड हमारी है फ्लाइट कुछ ही देर में। सो आई एम जस्ट डूइंग माई पैकिंग, अभी सारा मैंने बैग वैग पैक कर लिया है, अब मैं कर रही हूँ अपनी मेकअप की पैकिंग एंड देन वी आर लीविंग। बहुत जल्दी टाइम गुजर गया बट है फन, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, एक नया सा एक्सपीरियंस था, आई एंजॉयड इट। पर आई विश मैं न्यू ईयर यहाँ पे कर सकती पर ऐसा पॉसिबल था नहीं, सो वी कुडंट डू दैट, बट एनीवेज समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, और जो मिला वो भी बहुत अच्छा था। खैर अभी हम पैकिंग करते हैं जल्दी जल्दी से, और मैं खुद को थोड़ा सा टचअप सा करूँगी एंड देन चलते हैं फिर नीचे। लेट्स गो। तो जी पहुंच गए हम लोग एयरपोर्ट और जा रहे हैं हम लोग अंदर, सारा बैग इधर। जब हम आ रहे थे तब ना काफ़ी ठंड लग रही थी, अभी काफ़ी ठंड बेहतर है, तब हम जा रहे हैं अंदर। हाय, पहले घर जाने के लिए एक्साइटेड है सो मच। नहीं ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, अब सामान चेक कराना है, सो आई विल टॉक टू यू गाइस लेटर। हो गुजारिश है, चल ताकि आने वाले मुसाफिर रात को भारी सामान के साथ मुश्किल का सामना ना करना पड़े, आपके तामुन का बेहद शुक्रिया। शुक्रिया। ओके, जो हमारी बोर्डिंग वगैरह सब कुछ हो गई है, एज यू गाइस कैन सी हम प्लेन में बैठे हैं एंड ये एयर ब्लू से काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब क्लीन लग रही है उससे, उससे काफ़ी बेहतर है मेरा एक्सपीरियंस उसमें था, इट वॉज नाइस, ओके फाइन, बट ये मुझे ज़्यादा सही लग रही है। हाँ जी, ये बड़ी बड़ी भी अच्छी अच्छी सी भी लग रही है, तो
बस अब घर जा रहे हैं, ख़त्म हम लोग की वर्केशन. वर्केशन नहीं थी हम लोग की, वर्केशन थी वर्केशन. सो वो हो गया एंड. अब कल संडे, कल वी विल रेस्ट और फिर मंडे से हमारा ऑफिस. सॉरी, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट. 50 मिनट में कराची पहुंच जाएंगे. हम थोड़ी देर में प्रवास करने वाले हैं, आपसे गुजारिश है अपने हिफाजत में ध्यान दीजिए. गाइस, मैं पहुंच चुकी हूं अपने कराची द सिटी ऑफ लाइट्स एंड इट इज 2023. हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन. हम गए थे 2022 में इस्लामाबाद एंड 2023 में वी बैक टू कराची. इट्स ग्रेट, इट फील्स ग्रेट. नया साल, मैंने नहीं सोचा था कि मैं नए साल में आई वुड बी ट्रैवलिंग. लाइक नए साल में मैं एंटर करूंगी, आई वुड बी ट्रैवलिंग एंड आई विल एंटर इन द न्यू ईयर. इट्स रियल, इट्स नाइस. मैं फलक का वेट कर रही हूं, फलक आ जाए एंड देन फिर हमारा सामान स्टार्ट होगा. विल कलेक्ट दैट एंड थैंक्स टू दिस मुझे एक्ने हो गई है. वहाँ का मौसम मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया एंड मुझे एक्ने हो गई है. अब बाहर प्रॉब्लम हम लोग भी वेट कर रहे होंगे. आई एम एक्साइटेड टू मीट विल्दान एंड एवरी वन. तो यहाँ पे सब अपना सामान कलेक्ट करने में लगे हुए हैं. बाल तो करवाए को नहीं, दाढ़ी फिक्स कराई. ओ प्लीज, बाल भी कराई नहीं, दाढ़ी भी कराई, तो शेप पर ठवाई नहीं. अरे यार बेहान यार, देखो सुटी हालत छोड़ गई हूं बेहान. भाई जान तो सारे दुख चिकन वाले. इसको अच्छी हालत में छोड़ के गई थी मैं, क्या करा दिया इसने खुद को. बेलदान ना सिर्फ एक्साइटेड है द टॉयज. वो आते कह रहे वो वेयर इज माय गिटार, वेयर इज माय ड्रम. बेटा भी पेट्रोल डलवाता. I finish. I know paisa. I'm done. Okay, guys. So I am home. Hello, me. Hello. कितना एमएस किया आपने मुझे? फोन पर रोज बात करती थी. ऐसे रोज ही होते थे हम लोग का. Obviously रोज वीडियो कॉल पे सुबह उठते ही इनसे बात होती थी. And my baby. I want to jump and the car. But I did not buy anything for you. But Vildan, I did not buy anything for you. Where are you going? Where are you going? I'm going to my room. Why? You don't buy anything. Is that possible? No. Is that even possible? No. Then why are you... Naraj, I only will buy stuff for you. Okay, sit here. Choo-choo! Yes, you can. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine. जब मुझे गिटार बजाना आता था, अब मुझे नहीं आता, बट हम सीखेंगे खुद. नहीं तो इसको तो जरूर एक म्यूजिशियन मतलब कोई कुछ तो उसका इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए. विद इन यू हैव टू डू इट स्लोली. ओके, पुट इट हियर, सिंग अ सॉन्ग अलोंग विद इट. कम ऑन. ओके, कम ऑन, डू इट. भाभी, दिस इज फॉर यू. ओ थैंक यू. आपको पसंद है ना ऐसे नेकलेसेस? हाँ, मुझे ये जब भी आप जाती हैं. ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद है. अब जब भी बाहर जाती हैं आप ऐसे ही ढूंढती हैं. हाँ, और ये कलर भी बहुत प्यारा है. पहन के दिखाएं कैसा लग रहा है? अभी मैं ये स्क्रब सूट में क्या पहन. मामा, अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है. अच्छा लग रहा है, ब्लैक है ना? ब्लैक, हाँ ब्लैक मैंने जान के लिया था कि हर कपड़ों के साथ मैच होता है. कपड़ों के साथ चल सकता है ब्लैक. हाँ मामा, यस. इसकी भी कुछ सुन ले.
ओके सही है यार. गुड बॉय. ओ ये ऐसे लग रहा है जैसे पेंट कर रहा हो. कितना परफेक्ट लगा है. देखिए सो मम्मा के लिए मैं लेके आई थी ये वाली शॉल. आई होप शी लाइक्स इट. कलर बहुत अच्छा है. रियली लाइक द कलर. आई मीन बहुत ना अंधेरे में लिया था. आई मीन आई न्यू कि क्या चीज़ है बट लेट्स सी अब अम्मी को कैसे लगता है. लेट्स गो एंड गिव दिस टू हर. अम्मी हाँ एक मिनट बोलो. I got this shawl for you. ये दिखाई नहीं तुमने. कैसे दिखाऊं आपके लिए सरप्राइज था. सुठी है. कलर अच्छा है. हाँ मुझे लग रहा था पता नहीं आपको कलर कैसा लगे. बहुत वाइब्रेंट सा कलर है. नहीं नहीं बहुत अच्छा. सर्दी में तो अच्छा लगता है ना. हाँ यहाँ पे शॉल से ज्यादा चलती हैं. स्वेटर से इतने मजे के नहीं मतलब तो नहीं चलते हैं. देखें आप. नाइस. अच्छी लग रही है आप पे. कलर बहुत सूट कर रहा है. थैंक यू इज़्वा. नो प्रॉब्लम. जज़ाकल्लाह खैर. अपने लिए क्या लाई हूँ. अपने लिए मैं आप लोगों को खुद को लेके आ गई हूँ. अपने लिए आप मैंने सर्दी देखी. हाँ भैया तुम अच्छी आ गई वापस. नहीं मैं आप लोग के लिए गई थी. आई मीन गई तो अपने लिए थी पर शॉपिंग मैंने आप लोग के लिए करनी थी. नो प्रॉब्लम. उतारी करनी इसको. नहीं नहीं उतारी. बिस्मिल्लाह. ओके यू गाइज सो विद दिस नोट हम अपने ब्लॉग के एंड तक पहुंच चुके हैं. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. इफ यू डिड देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन. सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम दैट इज युश्रा जिटल कॉस्मो. इधर या इधर आ रहा होगा. एंड आई एम गोना सी यू गाइज सून इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट ब्लॉग. नाउ अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. स्टे हेल्दी. स्टे पॉजिटिव. स्टे सेफ. एंड यस अल्लाह हाफिज़. फी अमानिल्लाह.